अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का चीला। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने एक कप दाल ली थी मूंग की। इसको 2 से 3 घंटों के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। अब इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और इसके लिए मैंने ये एक गाजर बारीक काट लिया है, एक मीडियम साइज की प्याज वो मैंने बारीक कट कर ली है, थोड़ा सा पत्ता गोभी ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं इसको मैंने बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च है इसको भी मैंने बीज हटा के इसको भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1/3 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप हरी मिर्च न डालें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दाल में मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत ज्यादा हमें इसको थिक भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये जो हमने काली मिर्च पाउडर लिया था, सॉरी अदरक, आधी अदरक हम इसमें डालेंगे, आधी अदरक हम अपनी सब्जियों में डालेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने नमक और अदरक इसमें मिला दिया है। और अब हम अपनी सब्जियां तैयार करेंगे। देखिए मैंने पैन रख लिया है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले अदरक। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो लहसुन अदरक दोनों डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं या नहीं पसंद तो आप खाली अदरक डाल दें। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसी में हम डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है अदरक के साथ ही। बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना, हल्का ही तेल डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च हमारा हल्का सा भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज सबसे पहले। और सब्जियों में हमें बहुत ज्यादा गलाना भी नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट करनी है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसको हमें कोई कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट करना है। अदरक डाल देंगे हम और शिमला मिर्च और जो हमने पत्ता गोभी बारीक काटा है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स हुआ या फूल गोभी, कॉर्न, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं बारीक काटकर। सब्जियों को हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक मैंने उसमें डाला था, उतने ही हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने काली मिर्च पाउडर लिया था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आँच आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए सब्जी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बस इतने ही हमें पकाने हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। गैस हम बंद कर देंगे, इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया आप उसी वक्त डाल सकते हैं, भूल गए थे डालना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे अपना चीला। मैंने तवा रख लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज्यादा नहीं डालना। इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। आँच हमें बहुत ज्यादा तेज नहीं रखनी। इसको हम जितना भी तेल है टिश्यू पेपर से हम साफ कर लेंगे। इसको देखिए अब इसमें हम लेंगे कोई भी इस तरह का चम्मच लेके, 1 चम्मच बैटर लेंगे। इसको हमें हल्के हाथों से फैलाना है। आँच हमें बहुत तेज नहीं करनी, बस हल्के हाथों से इसको फैलाना है, जैसे आप डोसा बनाते हैं उसी तरह। ये देखिए छोटा बड़ा आप अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से। देखिए इसी तरह से बनाना है हमें। अब इसके किनारों पे हम हल्का हल्का सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल हम बीच में भी डाल देंगे। अब ये
चीला हमारा एक साइड से सिक जाएगा, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए एक साइड से चीला हमारा सिक गया है, ये ऊपर भी नजर आ रहा है। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमें उसी तरह से सेकना है। देखिए अब इस साइड भी हम सेक लेंगे अच्छे से। देखिए चीला हमारा दोनों साइड से सिक गया है। अभी जो सब्जी हमने बनाई थी इसको हम डाल देंगे। आप बगैर सब्जी के भी बना सकते हैं, प्लेन चीला भी बनाकर चटनी या सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ, जो भी चटनी आपको पसंद हो उसे खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चीला हमारा तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा चीला तैयार करेंगे। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। उसी तरह से थोड़ा सा बेटर लेंगे, एक चम्मच के करीब इसको हम बीच में डालेंगे और इसको हल्के हाथ से ही हमें फैलाना है, या आप छोटी कटोरी कोई हो उससे भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी चीला बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा किनारों पे ऑयल, थोड़ा सा बीच में भी डाल देंगे और नीचे से जब सिक जाएगा, जब हम इसका साइड चेंज करेंगे। देखिए एक साइड से सिक चुका है, अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। उस साइड से भी हमें इसी तरह सेकना है। देखिए दोनों साइड से हमारे चीले सिक गए हैं। अब उसी तरह से हमको सब्जी रखनी है बीच में। देखिए ये चीला भी हमारा बनकर तैयार हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम इसमें। आप तवा ठंडा करने के लिए, बहुत ज्यादा गर्म तवा नहीं होना चाहिए, तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा भी मार सकते हैं। इसी तरह से हम और बेटर लेंगे। अगर आपका तवा ज्यादा गर्म हो गया तो आप हल्का सा पानी का छींटा मार के उसे ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तेज गर्म तवे पे नहीं डालना है। किनारों पे हम हल्का सा तेल डाल देंगे। देखिए दोनों साइड से हमारा चीला अच्छे से सिक चुका है। इसी तरह हम अपने सारे चीले तैयार कर लेंगे। हम इस तरह से देखिए मूंग दाल का चीला हमारा तैयार हो गया है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ, जिस चटनी के साथ आपको इसको खाना पसंद हो, आप इसको एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ। ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने कमेंट में बताइए ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।